स्त्रियों को किस दिन बाल धोना माना जाता है शुभ या अशुभ? शास्त्रों में महिलाओं के बाल धोने से जुड़ी कई सारे नियम हैं और किस दिन बाल को धोना शुभ या अशुभ फल माना जाता है। विवाहित स्त्री और कुंवारी कन्या के बाल धोने के दिनों में अंतर होता है। नंबर एक, कुंवारी लड़कियों को कभी भी बुधवार के दिन बाल नहीं धोना चाहिए। ऐसा करने से लड़की के भाई को कष्ट झेलना पड़ सकता है। नंबर दो, गुरुवार के दिन सुहागिन महिलाओं को भूलवश भी बाल नहीं धोना चाहिए। ऐसा करने से सुहाग और आर्थिक स्थिति पर बुरा असर पड़ता है। नंबर तीन, जिस स्त्री को बाल कटवाने या फिर धोने हैं उसके लिए शुक्रवार के दिन बहुत ही शुभ माना गया है, इसलिए जो महिलाएं किसी पुत्र की माता है उन्हें शुक्रवार के दिन बाल धोना शुभ माना जाता है। नंबर चार, शुक्रवार के दिन बाल धोने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है क्योंकि यह दिन माँ लक्ष्मी का दिन होता है। नंबर पाँच, जिस भी लड़की के छोटे भाई होते हैं खास तौर पर उन्हें तो बुधवार के दिन भूलकर भी बाल नहीं धोना चाहिए। नंबर छः, अक्सर हम ऐसा देखते हैं कि स्त्री हमेशा विशेष त्यौहार शुभ मुहूर्त पर ही बाल धोती है, लेकिन शास्त्रों के अनुसार शुभ दिन या मुहूर्त के दिन कभी भी महिलाओं को बाल नहीं धोना चाहिए। अगर आपको बाल धोना है तो शुभ तिथियों से एक दिन पहले बाल धो ले। नंबर सात, महिलाओं को अमावस्या पूर्णिमा एकादशी या व्रत वाले दिन भी बाल नहीं धोने चाहिए। यदि किसी कारण इन दिनों में बाल धोना पड़े तो पहले बालों में कच्चा दूध लगाए फिर बाल धोए। नंबर आठ, स्त्री को बाल धोने के लिए शनिवार का दिन शुभ नहीं माना जाता है और ध्यान रखें कि शनिवार के दिन बालों में तेल भी नहीं लगाना चाहिए।